यूट्यूब पर देश का नंबर वन न्यूज चैनल चुनाव मतलब न्यूज 24। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले ही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की एक और पोस्टर गर्ल बीते दिन बीजेपी में शामिल हो गई है। पल्लवी सिंह ने भी प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह की तरह ही बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें, प्रियंका गांधी ने जितनी तेजी से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन की शुरुआत की थी, उतनी ही तेजी से पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। पल्लवी सिंह कांग्रेस की तीसरी पोस्टर गर्ल है जो बीजेपी में शामिल हुई है। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। खास बात यह है कि तीनों ने पोस्टर छोड़ने से पहले कांग्रेस के महासचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताते चले कि कांग्रेस छोड़ने वाली पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने प्रियंका गांधी के सचिव पर टिकट के लिए घूस मांगने का आरोप लगाया था। प्रियंका मौर्य का कहना था कि कांग्रेस में धांधली चल रही है। उन्होंने लिखा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर टिकट नहीं पा सकी क्योंकि मैं ओबीसी थी। प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह को घूस नहीं दे सकी। वहीं प्रियंका के अलावा टिकटों की दलाली का आरोप वंदना सिंह ने भी लगाया था। वंदना सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं के बजाय नए चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलने का समय नहीं देती। प्रियंका और वंदना के कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद अब पल्लवी ने भी पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इसके अलावा कांग्रेस की फ्रंट लाइन पर नजर आने वाली प्रियंका गांधी की तस्वीर भी उन्नति विधान के कवर पेज से गायब है। सबसे पहले शक्ति विधान के कवर पेज पर अकेले उनका चेहरा दिखा, अब उन्नति विधान के कवर पेज पर प्रियंका पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। इसके कवर पेज पर सिर्फ राहुल और सोनिया गांधी की फोटो ही लगाई गई है। तो वहीं अब बैनर और घोषणा पत्र से खिसकती प्रियंका की तस्वीर के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं।